सावधान, ठंड बढ़ते ही चोरों का बड़ा उत्पात, 10 लाख रुपए समेत सोना चांदी के जेवरात सामानों की हुई चोरी। नवादा से सहयोगी अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नवादा नगर थाना क्षेत्र के कन्हाई स्कूल के समीप शुक्रवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने बंद घर को खंगाल डाला। चोरों ने ताला तोड़कर नकदी, सोने चांदी के जेवरात समेत 10 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। बदमाशों ने पैसों से भरी 3 चुकड़ी, मिट्टी से निर्मित पैसा रखने वाला बर्तन भी गायब कर दिया। बताया जाता है कि घर सहारा इंडिया के एजेंट उत्तम कुमार की है। पीड़ित उत्तम ने बताया कि उनका मकान किउल गया रेलखंड के किनारे है। रेलखंड के दोहरीकरण का काम चल रहा है। मिट्टी की खुदाई के चलते मोहल्ले में घरों से निकलने वाले पानी का रास्ता बंद हो गया है। मकान नीचे होने के कारण अंदर पानी भर गया था, जिससे घर में रहना दूभर हो गया था। पूरे परिवार के साथ दूसरे स्थान पर किराए पर रहना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े सामान साथ लेते गए थे, अन्य सामान इसी घर में बंद था। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद घर पहुंचे। पहुंचकर देखा मेन गेट सहित अंदर के कमरे का ताला टूटा हुआ था। कमरे में पूरा सामान तितर बितर था। तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सर 25 तारीख को मैं घर में आया तो देखा कि मेरा 9 बजे लगभग तो मेरा ताला टूटा हुआ था। मैं पूरे अपने परिवार को गोतिया नैया को इन्फॉर्मेशन दिया, साथी संगत को इन्फॉर्मेशन देके इन किया। इन करने के बाद भी देखा कि सारा इधर आया तो ताला, सब रूम का ताला टूटा हुआ है। जैसे जैसे मुआयना किए तो अंदर हॉल के अंदर ढूंके तो देखे कि हमारा दोनों गोदरेज का भी ताला टूटा हुआ। कहाँ गए थे आप? जी हम किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि ये घर में रेलवे विकास के कारण नाला का पानी डूब गया था भट्टे होना, उस जमाने से इसमें नहीं रहते हम लोग। अच्छा, किराए के मकान में रहते। कहाँ रहते हैं? यहाँ से 2 बस की दूरी पर, नंदन जी बोल के एक रिटायर मिर्जापुर में ही। जी हमें